भारत के जिगरी दोस्त संयुक्त अरब अमीरात ने समूचे भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स नेटवर्क निर्माण करने का फैसला किया है और इसके लिए यूएई भारत में 2 अरब डॉलर यानी कि 200 करोड़ डॉलर का निवेश करेगा। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स बनाने का ये फैसला I2U2 की बैठक के दौरान लिया गया। I2U2 के वर्चुअल सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इसराइल के प्रधानमंत्री यायर लापिड और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने हिस्सा लिया था और चारों नेता पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पर एक साथ आए हैं, जिसमें भारत को लेकर यूएई ने बड़ी घोषणा की। I2U2 के वर्चुअल सम्मेलन के बाद जो संयुक्त बयान जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि I2U2 नेताओं की बैठक खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित थी और उन्होंने दीर्घकालीन अधिक विविध खाद्य उत्पाद और खाद्य वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नए तरीकों पर चर्चा की है। आपको बता दें कि I2U2 में 2 I है यानी कि इंडिया और इसराइल, वहीं 2 U है यानी यूएई और यूएसए। I2U2 ने कहा कि भारत परियोजना के लिए उपयुक्त जमीन प्रदान करेगा और किसानों के लिए फूड पार्कों में एकीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी।